कांगड़ा पुलिस प्रशासन नशे के खात्मे के लिए कितना सजग है, इस बात का अंदाजा कांगड़ा के नए पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन के इस बयान से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इंदौरा में नशे का गढ़ माने जाने वाली पंचायत छन्नी वैली के प्रधान को 3-4 केस में उसको नामजद कर लिया है और चिट्टा केमिकल अफीम गांजा लाहन समेत उन तमाम नशे के कारोबार और कारोबारियों से संबंधित पूछताछ की जा रही है जो छन्नी वैली की छवि पर तोहमत का दाग बन चुके हैं। कांगड़ा पुलिस प्रशासन नशे के खात्मे के लिए कितना सजग है, इस बात का अंदाजा कांगड़ा के नए पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन के इस बयान से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इंदौरा में नशे का गढ़ माने जाने वाली पंचायत छन्नी वैली के प्रधान को 3-4 केस में उसको नामजद कर लिया है और चिट्टा केमिकल अफीम गांजा लाहन समेत उन तमाम नशे के कारोबार और कारोबारियों से संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है जो छन्नी वैली की छवि पर तोहमत का दाग बन चुके हैं, जहां से न केवल हिमाचल बल्कि जम्मू और पंजाब के भी कई इलाकों में नशे का कारोबार होता है। इंदौरा के साथ लगते नूरपुर विधानसभा के विधायक राकेश पठानिया की माने तो छन्नी वैली में एक ही प्रजापति ऐसा है जो आज इस काले कारोबार में पूरी तरह से संलिप्त है। हालांकि इस प्रजापति के खात्मे के लिए पुलिस ने वक्त वक्त पर बड़े अभियान चलाए, लेकिन पहली मर्तबा इन पर पूरी तरह से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। पठानिया ने बताया कि जिस तरह से नशा ऑल आउट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इससे अब धीरे धीरे ये लोग न केवल जेल की सलाखों के पीछे जाने लगे हैं, बल्कि नशे का कारोबार करने से भी तौबा करने लगे हैं और बड़ी ही जल्दी इनका सफाया भी हो जाएगा। उस टाइप का यही काम था, पहले वो लान बेचती थी, अब वो छोटे काम पे आ गई है जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से जितना पिछले एक साल से पुलिस ने रेड्स मारी है, जितना वहाँ पे बार बार, और मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा नहीं होगा तो पिछले 2 महीने में तो 10 बार एसपी साहब वहाँ पे आ चुके हैं। तो जिस तरीके से वहाँ पे अब ये क्रैकडाउन हो रहा है, मुझे लगता है कि ज्यादा वो सस्टेन कर पाएंगे। उस ट्राइब का काम ही यही है जी, उस ट्राइब को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें छोटी क्या बड़ी क्या, मेरे ही क्षेत्र में कम से कम पिछले 2 महीने में 10 लोग जो हैं बड़ी मछलियाँ पकड़ी गई हैं। तो अगर प्रयास सरकार ने किया है और गवर्नमेंट ने और पुलिस ने किया, तभी पकड़े गए ना जी। अगर प्रयास ही ना होता तो क्यों पकड़े जाते। और बेस्ट पार्ट ये है कि अब जो पकड़ा जा रहा है वो छूट नहीं रहा। जो बड़ी मछलियों की आपने बात की, तो पहली बार शायद जो छन्नी वैली का जो प्रधान है, जो खुद इस काम में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, He has been booked in 3-4 cases in NDPS only, just for encouraging और इसमें अपना पैसा लगाने के लिए। सो वो प्रोसेस भी चल रही है। बिल्कुल, वो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने उस प्रधान को भी बुक किया और उसको अरेस्ट किया।